आर्थिक मंदी की वजह से फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग पर काफी असर पड़ा है। यहाँ के कारोबारियों का मानना है कि बिक्री घटने की वजह से कारोबार भी करीब 50% की गिरावट सहन कर रहा है। मांग घटने से चूड़ियों के उत्पादन में भी कमी आई है, जिसकी वजह से चूड़ी बनाने वाले कारीगरों के सामने रोजगार छिनने का खतरा बढ़ गया है। फिरोजाबाद में बनी चूड़ियां देश विदेश में महिलाओं के हाथ में खरकती हैं। यहां बनने वाली साधारण से लेकर जबरदस्त डिजाइन वाली चूड़ियों की मांग पूरे देश में है, लेकिन मंदी ने यहां के चूड़ी उद्योग को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए चूड़ियों की मांग पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन बढ़ती महंगाई और घटती मांग के कारण यहाँ चूड़ियों के उत्पादन में 50% तक की कमी आई है। फिरोजाबाद में ज्यादातर काम गैस भट्टियों के जरिए हाथ से किया जाता है। रोजाना 9 घंटे की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद कारीगरों को दिहाड़ी मिलती है, लेकिन उत्पादन घटने से अब कारीगरों को भी रोज काम मिलने का टोटा होने लगा है। चूड़ी के कारोबारियों का कहना है कि मंदी की वजह से उनके लिए कारोबार को चला पाना कठिन होता जा रहा है। पहले की तुलना में मांग काफी घट गई है। मंदी इतनी है कि दुकान के खर्चे और लेबर का खर्चा नहीं निकल रहा है। हम लोग मंदी से जूझ रहे हैं कि आज का कारोबार मार्केट के हिसाब से बहुत धीरस बेतुका और बिल्कुल एकदम जो है मंदी के दौर से जो है गुजर रहा है। कारोबारियों का कहना है कि गैस की दरों में बढ़ोतरी होने की वजह से चूड़ी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। इसके साथ ही प्लास्टिक से बनी चूड़ी और कड़ों के फैशन आने की वजह से कांच की बनी चूड़ियों की मांग घट गई है। वजह चाहे नया फैशन हो या प्रोडक्शन कॉस्ट का बढ़ना, सच तो यही है कि कांच की बनी चूड़ियों की मांग घटी है और इसका सीधा असर फिरोजाबाद में नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।